वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मोहम्मद अंसारी, आप सभी लोगों का कार्तिकीया 2 के डे नंबर 5 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ये चार दिन जो रहे हैं कार्तिकीया 2 के, इन्होंने हमको एक लेसन दिया है कि पहले दिन भले आपका शो काउंट 2 हो 3 हो, अगर आपकी फिल्म दमदार है, अगर आपकी फिल्म जनता के दिलों में घर बनाने में कामयाब होती है, देन मेरा भाई वो 200 से 200 जा सकती है। कैसे? आज का एपिसोड देखिए। भैया, हम आपको आज कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले नंबर्स बताएंगे जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुंबई फर्स्ट डे 9 शोज, एंड अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो इस फिल्म का फिफ्थ डे चल रहा है, वहां पे इसके पास 193 शोज है। यस फ्रेंड्स, पांचवे दिन कार्तिकीया 2 के पास 193 शोज इन मुंबई। दिल्ली एनसीआर 5 शोज से शुरू हुआ था, आज 206 शोज है। गाइज, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एंड गाइज, यहाँ पे बात करो पुणे की, 6 शोज से शुरू हुआ था, आज 102 है। अहमदाबाद 6 शोज से शुरू हुआ था, आज 120। सूरत 6 से 90 हुआ है। बात करो चंडीगढ़ की, 2 से 20 हुआ है। लखनऊ भाई, पहले दिन 0 था, आज 41 है। द शो काउंट ऑफ कार्तिकीया 2 इज जस्ट इनसेन। एंड जन्माष्टमी के दिन कल हम डिस्कस करेंगे इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में, एग्जैक्टली ये क्या नंबर्स करने वाले हैं। यू गाइज आर इन फॉर अ ह्यूज सरप्राइज विद कार्तिकीया 2। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि चौथे दिन पर, यानी कि डे 4 पे, इसने वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन कमाया अब तक, यानी कि 4 दिनों में इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितने हुए हैं। एंड आज पांचवा दिन जो है इस फिल्म का, देखिए कंफ्यूज मत होना, ये फिल्म सैटरडे रिलीज हुई है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे, यानी कल तक के 4 दिनों के मैं आपको वर्ल्ड वाइड बताऊंगा। आज कितना आएगा ये एस्टिमेट बता के जाऊंगा। ओके, चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। हिंदी वर्जन, पहले दिन 7 लाख, दूसरे दिन 28 लाख, थर्ड डे 1.10 करोड़, एंड फोर्थ डे शोज इतने बड़े कि गाइस 1.28 करोड़ का प्रोड्यूसर ने ऑफिशियल कलेक्शन दिया है। एंड इसी के साथ कार्तिकीया 2 ने 4 दिनों में हिंदी में 2.73 करोड़ का बिजनेस किया है। ओके, तो हिंदी वर्जन यहाँ हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं। अब गाइस, कल रात को मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म कहीं ना कहीं 4.5 करोड़ के ऊपर कमाते हुए दिखाई दे रही है। एपीएन तेलंगाना आर डूइंग सुपर बिजनेस फॉर कार्तिकीया 2। एपीएन तेलंगाना में कल इस फिल्म ने 3.6 करोड़ का बिजनेस किया, कर्नाटका में 15 लाख का बिजनेस किया, तमिलनाडु 10 लाख, एंड हिंदी 1.28 CR, यानी कि 1.28 करोड़। इसी के साथ केवल इंडिया में ही कार्तिकीया 2 ने 5.13 करोड़ का बिजनेस किया, एंड ओवरसीज 60 लाख का टोटल में एडिशन इसने करके 5.73 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए ऑन इट्स फोर्थ डे। एंड इसी के साथ अब गाइस, कार्तिकीया 2 का जो वर्ल्ड वाइड टोटल होता है वो है 33.23 करोड़, यानी कि 33.23 करोड़ रुपया इस फिल्म ने डेफिनेटली कमा लिया है एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। सो आज इसका कौन सा दिन है? आज इसका फिफ्थ डे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली अपने फिफ्थ डे पर इसने कितने कलेक्शंस किए। देखिए गाइस, बात करते हैं हम लोग हिंदी वर्जन की, तो मॉर्निंग के शोज 10% के थे, आफ्टरनून 11 एंड इवनिंग 12% के चल रहे हैं। अब शोज अच्छे खासे बढ़ गए हैं। मुंबई की बात करूं, 193 शोज में 13% ऑक्यूपेंसी थी। दिल्ली एनसीआर 206 शोज में 15% की थी। पुणे की बात करूं, 102 शोज में रात को 10% चल रहे हैं। हैदराबाद में 7 हिंदी शोज है, 33% की ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता में भी 35 शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी है। सूरत में 90 शोज में 11% की ऑक्यूपेंसी है। भोपाल डिस्कस कर ले तो भोपाल में इसका 15 शोज हो चुके हैं। लखनऊ में 41 हो चुके हैं। कानपुर तक इसके शोज लग चुके हैं, कानपुर में 8 शोज है। इस बात को नागपुर में भी इसको 15 शोज दे दिया गया। हिंदी वर्जन इसका अच्छा खासा कमाई जो है करते हुए दिखाई दे रहा है। नाउ द मेन चंक ऑफ कलेक्शंस द तेलुगु वर्जन। अभी गाइस, इवनिंग शोज जो है नॉर्मल डे, नॉन हॉलीडे है, लेकिन इसकी ऑक्यूपेंसी 35% चल रही है, जो कि काफी स्ट्रांग है। कल हैदराबाद में इसके पास 241 शोज है, एंड आज 241 शोज, एंड कल 241 शोज से ज्यादा होंगे। एंड आज 241 शोज में इसकी ऑक्यूपेंसी 39% की है। चेन्नई की बात करूं, 46 शोज में 35% ऑक्यूपेंसी है। विजयवाड़ा लो, 68 शोज, 27% ऑक्यूपेंसी। बट लुक एट दीज सेंटर्स, दीज आर स्ट्रांग नंबर्स। गुंटूर जिला लो, 21 शोज, 65% ऑक्यूपेंसी। वरंगल 18 शोज, 38%। द टाइम फॉर तेलुगु सिनेमा इन द लास्ट 1 वीक हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बिंबिसरा
यू नो सीतारामम एंड अब कार्तिकेया टू, तीनों लाइन में और हेलो डार्लिंग इट्स शो टाइम। अरे सर वो आपका डायलॉग नहीं है, वो प्रभास का डायलॉग है। तो गाइस प्रभास ने भी यहाँ पर कार्तिकेया टू के टीम के लिए सपोर्ट में यहाँ पर एक मैसेज जो है वो दिया है जो काफी इंकरेजिंग है। तो गाइस इनकी पूरी इंडस्ट्री जो है जब कोई फिल्म हिट होती है तो साथ में आके इनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, जो कि हमारे इंडस्ट्री में मिसिंग है। हमारे इंडस्ट्री में किसी हीरो की फिल्म हिट हो जाती है तो सामने वाला कॉम्पिटिटर पौवा लगा के सो जाता है, उसको इतना दुख हो जाता है। ये चीज भी घटना जरूरी है इंडस्ट्री में। यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ आने वाली कुछ पिक्चरें हैं, वहां पर कोई हीरो का ऑडियो लॉन्च है, जितने भी यंगस्टर्स है यानी कि उस जोन में, जैसे कि यू नो जो यंगस्टर जोन है यानी कि 4-5 साल पहले अपने डेब्यू किए, वो सारे के सारे ऑडियो फंक्शन में आते हैं। आदि विशेष आता है, वो डीजे टिल्लू का हीरो आ जाता है, बहुत सारे भाई जब नाम बराबर ले रहा हूँ शायद डीजे टिल्लू, वो सब साथ में आगे खड़े हो गए उस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक ये भी कोई फिल्म आने वाली है, तो दिस इज नेसेसरी। आई थिंक उसमें RX 100 की हीरोइन है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। सो गाइस ये 30 मार खान नाम है पिक्चर का। तो गाइस ये होना चाहिए हमारे इंडस्ट्री में भी। बात करो गाइस निजामाबाद की 6 शोज में 70% ऑक्यूपेंसी है, लुक एट दिस मैन। मुंबई में तेलुगु शो लगा है, 24 तेलुगु शोज में 25% ऑक्यूपेंसी है। करीमनगर की बात करो 7 शोज में 38% ऑक्यूपेंसी, लुक एट काकीनाड़ा 14 शोज में 65%। महबूब नगर बताइए भाई, 3 शो है महबूब नगर में 22% ऑक्यूपेंसी, यानी कि आज भी ये फिल्म कहीं ना कहीं 4.5 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करेगी। एंड ओवरसीज मिलाकर आई सी यू नो कार्तिकेया 2 डूइंग अ बिजनेस ऑफ 4.5 to 4.90 करोड़, यानी कि चलो 5 करोड़ जो है वो मैं पकड़ के चलता हूँ, यानी कि वर्ल्ड वाइड आज भी ये पिक्चर 5 करोड़ का बिजनेस जो है करेगी। एंड गाइस 5 दिनों में इसका वर्ल्ड वाइड टोटल कहीं ना कहीं 38 से लेके 38.25 करोड़ चले जाएगा। आई थिंक एक हफ्ते में ये फिल्म 42 से लेके 42.5 करोड़ का वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो डेफिनेटली पोस्ट करेंगे। तो गाइस बने रहिए, जैसे जैसे फिल्म आगे जाएगी हम इसे कलेक्शन जो है वो ट्रैक करते जाएंगे। जन्माष्टमी के दिन का इंतजार है जहाँ पे फिल्म मैक्सिमम कलेक्शन करेगा। कार्तिकेया 2 नहीं देखी है किसी भी कारणवश, क्या सोच विचार कर रहे हो, जाके नजदीकी सिनेमाघरों में एक नई फिल्म देखिए, आप डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल।